एक डॉक्टर जो हमेशा चाहता है कि कोई भी व्यक्ति बीमार रहे, एक वकील जो हमेशा चाहता है कि समाज में झगड़ा हो, एक पुजारी जो हमेशा चाहता है कि लोग अंधविश्वास में डूबे रहें, पुलिस जो हमेशा चाहती है कि हर आदमी किसी न किसी विवाद में उलझा रहे, एक ठेकेदार जो हमेशा चाहता है कि समाज में लोग दबी कुचले और मजदूर बने रहें, एक शराब के ठेकेदार ये हमेशा चाहते हैं कि लोग बहुत सारे शराबी बनकर आए और मेरा ठेका चलता रहे, तांत्रिक चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, एक बैंक वाला चाहता है कि हर व्यक्ति कर्ज में डूबा रहे। न जाने हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में क्या क्या सोचता है, लेकिन सिर्फ एक समाज सेवी यही सोचता है कि हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम बने, हर व्यक्ति अपने आप में जागरूक बने, हर व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से जीने की एक नई दिशा देखे, समाज का हर दायरा हर तरफ एक अच्छी हवा चले, एक जागरूकता की हवा चले, एक शिक्षा की हवा चले, एक सही दुरुस्त व्यवस्था की हवा चले, और जब कोई व्यक्ति संकट और परेशानी में हो तो हम उसके लिए समाज में बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर उसके लिए तैयार रहें, उसकी परेशानी से उसको निजात दिलाने के लिए हमेशा एकजुट हो और उसकी परेशानी से उसे बाहर निकाल कर लाए। तो सभी समाज सेवियों को बहुत बहुत नमन जो इस कोरोना काल में सेवा में लगे हैं।